हम देखने वाले हैं आज नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इसके पहले हम लोग जो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस और साथ ही साथ उनके लॉ के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि मेंडेलियन ने जो तीन नियम दिए, प्रभाविता का नियम है ना, साथ ही साथ पृथक्करण का नियम और तीसरा क्या था, स्वतंत्र अपवहन का नियम। तो ये तो मेंडेलियन थ्योरी हो गया, मेंडेलियन इनहेरिटेंस हो गया जो कि उनके द्वारा दिया गया था। लेकिन कुछ ऐसे भी थ्योरी सामने आए जो कि मतलब कुछ और ही कैरेक्टर शो करते हैं या फिर मेंडेलियन थ्योरी के समान नहीं थे, तो इसी के चलते उन्हें क्या बोला गया, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ठीक है, तो उनके बारे में देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये इम्पॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, एग्जांपल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बोला जाता है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण, अपूर्ण यानी अपूर्ण प्रभाविता में क्या जाएगा, जैसे कि हम लोग मेंडेलियन थ्योरी में क्या देखे थे कि जो जनरेशन वन होता है यानी F1 जनरेशन होता है उसमें केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, यानी कि जो डोमिनेंट होता है उसी के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसके द्वारा, एग्जांपल के द्वारा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ना ही कोई डोमिनेंट होगा और ना ही कोई रिसेसिव होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, ना ही कोई डोमिनेंट होगा ना ही कोई रिसेसिव होगा, बल्कि दोनों मिलकर मिश्रित होकर एक नए कैरेक्टर का डेवलपमेंट करते हैं और जनरेशन वन में वही कैरेक्टर शो होता है। जैसे कि एग्जांपल में आपका दिया हुआ है मिराबिलिस जलापा का, इसको 4 o'clock भी, 4 o'clock फ्लावर के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसको नॉर्मली क्या है, जो हमारी बोलचाल भाषा है उसमें इसको 4 बजिया फूल भी बोला जाता है। उसी के साथ साथ इसका ड्रैगन फ्लावर भी है। तो पहले मिराबिलिस जलापा में देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। इसका वीडियो मैंने भेजा हुआ था, आज सरसरी तौर पर इसको हम लोग देखेंगे। तो मिराबिलिस जलापा में क्या हुआ था कि वाइट फ्लावर को और रेड फ्लावर के बीच क्या है, क्रॉस कराया गया। एक क्या है, रेड फ्लावर है और एक क्या है, वाइट। तो जब उन दोनों के बीच क्या हुआ, क्रॉस हुआ, तो F1 जनरेशन में हमें ना ही रेड कलर के फ्लावर प्राप्त हुए और ना ही वाइट कलर के, बल्कि हमें एक नया कैरेक्टर यानी कि न्यू कैरेक्टर ही दिखाई देता है। और मतलब उनके बीच का कलर, इंटरमीडिएट कलर बोल सकते हो उसको, इंटरमीडिएट में क्या हो जाएगा, जब रेड और वाइट मिलते हैं तो पिंक कलर का निर्माण होता है। तो जो नया प्लांट बनता है उसमें पिंक कलर के फ्लावर हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से दोनों का इंटरमीडिएट आता है, दोनों मिश्रित रूप से उसका हम लोग को दिखाई देता है। तो इस तरीके से है। उस अगला क्या दिया है, को डोमिनेंस, सह प्रभाविता। इसके नाम से ही है, अपूर्ण प्रभाविता में क्या जाएगा, दोनों के ही प्रभाव नहीं दिखाई देंगे, दोनों मिलकर एक नए कैरेक्टर का निर्माण करेंगे। उसी तरीके से इसमें क्या है, को डोमिनेंट है यानी कि सह प्रभाविता, दोनों साथ साथ अपना प्रभाव F1 जनरेशन में दिखाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर F1 जनरेशन में क्या होगा, बोथ कैरेक्टर शोज। अब आप लोग देख सकते हैं कि कैटल जो होते हैं यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे आप लोग कुछ चितकबरे गाय भैंस को देखते हैं तो वो किस तरीके से है, मतलब एक मान लीजिए कैटल में ले लिया गया है एक भैंस है, तो उसमें एक क्या है ब्लैक कलर का है और एक वाइट कलर का है। तो उसमें क्या होता है, जब F1 जनरेशन में दोनों के बीच संतरण होता है तो उसमें ब्लैक स्पॉट और वाइट स्पॉट दोनों ही दिखाई देने लगते हैं। तो दोनों का जो है यहाँ पर प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों ही F1 जनरेशन में दिखाई देते हैं। उसी तरीके से ब्लड ग्रुप में है, ब्लड ग्रुप में क्या होता है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ठीक है, मतलब मेल का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो उस कंडीशन में दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से होगा, वो ए बी मतलब उसका ब्लड ग्रुप हो जाता है, यानी कि दोनों के प्रभाव उसमें दिखाई देते हैं। इस तरीके से अगला क्या है, मल्टीपल एलिलेज। मल्टीपल यानी कि आप लोग जानते हैं अधिक, बहुत,
ठीक है। मेंडल के अनुसार हम लोग ये देखते हैं कि जो एक कैरेक्टर होता है, ठीक है, उसको भी क्या है, एक जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लेकिन मल्टीपल एलील्स में क्या होता है कि यहाँ पर मल्टीपल एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर। एक कैरेक्टर के लिए एक से अधिक एलील यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर मल्टीपल एलील आया है ना, एलील्स, ठीक है, एलील के बारे में आप लोग को देखना है ये। यानी कि एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए वहाँ पर क्या है, एक से अधिक एलील्स के ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरीके से इसका एग्जांपल है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में क्या क्या होते हैं, आई ए, आई बी और आई ओ। अगला दिया है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी को बहुप्रभाविता भी बोला जाता है, यहाँ पर भी बहुप्रभाविता आया है। तो देखिए इसको किस तरीके से है, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, एक जीन के द्वारा मल्टीपल एलील में हमने देखा कि मल्टीपल एलील्स एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। उल्टा किस तरीके से, यहाँ पर केवल एक ही जीन क्या होता है, एक जीन, ठीक है, एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारे कैरेक्टर के लिए। बहुत सारे कैरेक्टर में आ जाएगा आपका दो या दो से अधिक, इस तरीके से इसको बोल सकते हो। एक जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दो या दो से अधिक फिनोटाइप कैरेक्टर के लिए, ठीक है, वही प्लियोट्रॉपी कहलाता है। यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर बात आती है कि दो या दो से अधिक फिनोटाइप कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एक जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका एग्जांपल है, एग्जांपल के रूप में हम लोग देख लेते हैं इन ड्रोसोफिला, इन शोरगुम जिसको ज्वार बोला जाता है, इन सिकल सेल, इसका हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ड्रोसोफिला में देख लेते हैं। तो ड्रोसोफिला में सभी में एक जीन आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या बात हो रहा है, एक जीन, ठीक है, एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये फिनोटाइप कैरेक्टर हैं, जैसे कि क्या हो गया, आई कलर है, स्पर्म स्टोरेज ऑर्गन है, अदर स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके सेप साइज के लिए एक ही जीन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इन सभी जो मल्टीपल क्या बोलना चाहिए, एक्सप्रेशन होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक जीन ये अलग अलग भाग है, देख सकते हैं आप लोग, अलग अलग फिनोटाइप कैरेक्टर है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला है ज्वार में देखते हैं हम लोग। ज्वार में भी एक ही जीन क्या करता है, इसका फंक्शन, तीन फंक्शन है, यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि इंटरनोड का लेंथ हो गया, उसकी लंबाई कैसे, लीव्स की लंबाई चौड़ाई हो गई, साथ ही इन्फ्लोरेसेंस यानी कि जो पुष्पक्रम होता है उसको भी कंट्रोल कौन करता है, एक ही जीन करता है। तो अगला हम लोग देख लेते हैं इन सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में किस तरीके से होता है, इसको भी चलिए देख लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया जो है, ये एक वैज्ञानिक हैरिक, इन्होंने इसकी खोज की थी कब, 1904 में। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है, ये किस टाइप का डिजीज़ होता है, इसको देखते हैं कि ये क्या है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव हेरिडेटरी डिसऑर्डर है। हेरिडेटरी यानी कि क्या होता है, ये वंशागत है, यानी कि जो सिकल सेल एनीमिया होता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, ठीक है, मतलब अगर उनके पीढ़ी में ये चलते आ रहा है, यानी कि जेनेटिक डिसीज़ है, इस तरीके से इसको समझ सकते हो। सिंपल भाषा में ये क्या है, जेनेटिक डिसीज़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये किसी न किसी को ये होगा ही, इस तरीके से। और ये किस तरीके का है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल है, ये आप लोग जानते होंगे कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोमल और एक सेक्स क्रोमोसोम। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 23 पेयर हैं, तो 23 पेयर में 22 पेयर जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऑटोसोमल होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, और वन पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर हम लोग सेक्स क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम की, ठीक है। तो ये किस तरीके का डिसीज़ है, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम में होने वाला डिसीज़ है, ना कि सेक्स क्रोमोसोम में, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया ऑटोसोमल का मीनिंग, रिसेसिव। अब ये रिसेसिव क्यों,
जो सिकल सेल एनीमिया होता है ये डिसीज़ कब उस इंसान में प्रभावी होगा, जब वो रिसेसिव कंडीशन में होगा, अप्रभावी स्थिति में ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। यानी कि जैसे कि आगे इसको हम लोग समझेंगे किस तरीके से होगा, तो आप लोग को बस इतना समझना है कि ये रिसेसिव अवस्था में ही अपना प्रभाव ये प्रभावी होता है इस तरीके से, ठीक है। हेरिडिटरी यानी कि वंशागत होते हैं, डिसऑर्डर यानी कि बीमारी, ऑटोसोमल रिसेसिव हेरिडिटरी डिसऑर्डर ये होते हैं, इन विच द इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स किसके लिए यूज़ किया जाता है, आरबीसी सेल के लिए, आरबीसी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इरिथ्रोस जो वर्ड होता है ये आरबीसी के लिए यूज़ किया जाता है और साइट यानी कि सेल। तो ये कैसा डिसीज़ है, आरबीसी में होने वाला डिसीज़ है। बिकम सिकल सेल, जब उसमें आरबीसी में क्या हो जाता है, सिकल सेल ये डिसीज़ कॉज कर जाते हैं, तो जो आरबीसी है वो कैसा सेप का हो जाता है, सिकल सेप, सिकल यानी कि हंसियाकार, ठीक है, हंसियाकार सेप में हो जाते हैं, जो कि मतलब किसके कमी के कारण होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण। उसमें जो सिकल सेल एनीमिया होते हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे कि वो सिकुड़ कर हंसियाकार सेप में आ जाते हैं, ठीक है। इसी कारण जो सिकल सेल एनीमिक जो पर्सन होता है वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी के कारण वो अधिक ना ही खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, मतलब नॉर्मल वो इंसान की तरह नहीं रह सकते। अगला क्या है, जिसको डिसीज़ रहेगा, ठीक है। देखिए अगला है इसमें क्रोमोसोम का जो नंबर होता है, सॉरी नंबर नहीं, क्रोमोसोम जो होते हैं ये कितने होते हैं, इन ह्यूमन में 23 पेयर होते हैं। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया होता है ये किस में होता है, ये देखते हैं हम लोग। ऑटोसोमल क्रोमोसोम में होता है ये तो समझ में आ गया, लेकिन ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम है उनकी संख्या कितनी है, टोटल 22 है, ठीक है, टोटल कितनी है, 22 है। तो हमको फोकस करना है 11वें नंबर के क्रोमोसोम पर। आप लोग बना लीजिए 1, 2, 3, 4 से लेकर 22 तक। अब वहाँ पर जो 11वें नंबर का ऑटोसोमल क्रोमोसोम होगा वहाँ पर ये है, ठीक है, इमेजिन करना है आपको कि ये क्या है, 11वें नंबर का क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम के एक आर्म्स पर पाया जाता है HBB, ठीक है। HBB ये एक तरीके का जीन है, जीन सेगमेंट है, ठीक है, जो कि क्या करता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। ये क्या है, HB यानी कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल में इस तरीके से है। जब अब इसमें क्या हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, इसी HBB का ये जो जीन सेगमेंट है इसी में ही एक जगह पर क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट यानी कि एक पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बना दिया, तो सिर्फ यहीं पर क्या होगा, म्यूटेशन होगा, ना कि इसके अगल बगल में, ठीक है। एक जगह पर म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन क्या होता है कि DNA के जो सेगमेंट होते हैं या फिर उनके जो सिक्वेंस होते हैं, DNA का एक पर्टिकुलर सिक्वेंस होता है, अगर उसमें किसी भी तरीके का चेंज हो जाता है तो वह डिसीज़ कॉज करने लगता है, ठीक है, या फिर उसमें और भी कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ दिखाई देते हैं। अगर आप लोग को किसी भी जो इंसान मतलब नॉर्मल इंसान है और उसके सामने में कोई एबनॉर्मल टाइप का आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो उसका कारण यही है कि उसके जीन में कोई डिफेक्ट है, उसके सीक्वेंस में कोई डिफेक्ट है, तभी जाकर वो क्या नॉर्मल इंसान से थोड़ा अलग आपको लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, DNA सेगमेंट में अचानक उत्परिवर्तन होना, परिवर्तन होना, ठीक है, म्यूटेशन को उत्परिवर्तन बोला जाता है। DNA सेगमेंट में अचानक क्या है, परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। तो यहाँ पर भी ये अचानक ही होगा कि जो HBE होता है यानी कि हीमोग्लोबिन है उसके सेगमेंट में क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन आ जाता है, जिसके कारण वो सिकल सेल कॉज करता है। देखिए इसको आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं किस तरीके से होगा। नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में जब DNA का कोडिंग होता है, कोडिंग भी हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से कोडिंग होता है ये, ठीक है। तो जब DNA का कोडिंग होता है तो कोडिंग में जो सीक्वेंस रहता है, ठीक है, सीक्वेंस में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, सीक्वेंस में क्या है, ग्लूटामिक एसिड। लेकिन
जब यही ये ग्लूटामिक एसिड कहाँ पाया जाएगा, यहीं पाया जाएगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है ये, इसमें 4 चेन पाए जाते हैं। इस तरीके से इसको सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, इस तरीके का नहीं होता है वो। 4 चेन क्या क्या रहते हैं, ये अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा बीटा। तो ये जो ग्लूटामिक एसिड होता है ये बीटा टू, ये बीटा वन हो गया, ये बीटा टू, अल्फ़ा वन, ये अल्फ़ा टू, इस तरीके से। तो ग्लूटामिक एसिड जो होता है ये इस तरीके से चेन है, 6 चेन होते हैं, सॉरी 6 नंबर का जो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 नंबर का जो रहता है इसको बोलता है बीटा टू 6। और ये किसका स्ट्रक्चर है, HB का, HB का बीटा टू 6 में क्या रहता है, ग्लूटामिक एसिड का कोडिंग रहता है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड यहाँ पर ये कोड होता है, ठीक है। नॉर्मल में ये रहेगा कि DNA कोडिंग के द्वारा क्या रहता है, यहाँ पर इस सीक्वेंस में ग्लूटामिक एसिड रहता है। लेकिन जब यही म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन के कारण क्या होता है, जो ग्लूटामिक एसिड रहता है इसका कोडिंग बदल कर क्या हो जाता है, वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, ग्लूटामिक एसिड ये नॉर्मल का होगा ना, नॉर्मल में ग्लूटामिक होगा, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिक पर्सन होगा उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या हो जाएगा, वैलिन हो जाता है। किसके कारण, म्यूटेशन के कारण। तो जो यही वैलिन का जो सीक्वेंस होता है यही दैट कॉज सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, यही आपका सिकल सेल एनीमिया कॉज करता है। तो इस तरीके से ये है। अगला है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, जो सिकल सेल एनीमिया होता है उसको, सिकल सेल को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, ये हीमोग्लोबिन है, HB यानी कि हीमोग्लोबिन, ये पेयर में पाया जाता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, HB, देख सकते हैं इसके ऊपर में एक भी S नहीं लगा हुआ, यानी कि ये इंसान क्या है, नॉर्मल है। उसी तरीके से क्या लिखा हुआ है, HB ऊपर में S, इसका अर्थ है कि ये क्या है, कैरियर है, वाहक है, ठीक है, चाहे वह मेल हो कि फीमेल हो, दोनों ही क्या होंगे, वाहक होंगे। अगला क्या दिया है, HBS, तो ये क्या करेगा, डिसीज़ कॉज करेगा। यहाँ पर आपको समझना है कि ये क्या है, डबल रिसेसिव डिसीज़ है, हेरिडिटरी डिसीज़ है। तो रिसेसिव कैसे, मतलब देख सकते हैं आप लोग, ये मतलब ये अपने रिसेसिव कब अपना प्रभाव दिखाते हैं, जब वो डबल यानी इस तरीके से ये रहेंगे, ये सिंगल में रहेंगे तो अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे, जब ये डबल दोनों में ये पाए जाएंगे तभी जाकर ये अपना प्रभाव दिखाते हैं, इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर एक मेल है और एक फीमेल है, आप लोग देख सकते हैं कि दोनों ही क्या हैं, कैरियर हैं। क्यों, क्योंकि इनके सिर्फ एक ही एलील पर सिकल सेल एनीमिया के जीन पाए जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक एलील क्या है, नॉर्मल है, और एक एलील में सिकल सेल एनीमिया के इस तरीके से जीन पाए जा रहे हैं, तो दोनों में अंतर है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस, विषम युग्मी हो जाएगा। और ये क्या है, कैरियर। अभी मैं चीज़ बताई हूँ कि अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है वो क्या है, कैरियर है, एक फीमेल है और एक मेल है, इस तरीके से आपको करना है। ये दोनों ही कैरियर हैं, सेम है, देख सकते हो। अब यहाँ से, अब हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो यहाँ से दो क्या बनेंगे, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, एक बनेगा नॉर्मल, सॉरी एक बनेगा HB और एक बनेगा HBS, दोनों साइड इस तरीके से हैं। अब इनके बीच क्रॉस होगा तो क्रॉस में क्या बनेंगे, देखिए HB का यहाँ पर क्रॉस होगा यहाँ पर HB से, तो नॉर्मल बनेंगे HB, देखिए यहाँ पर नॉर्मल है ये। उसी तरीके से फिर से इसका हम लोग क्रॉस कराएंगे HB से HBS, देखिए HB से HBS, तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, कैरियर। अगला क्या दिया है, HBS का हम लोग क्रॉस कराएंगे HB से तो क्या प्राप्त होगा, HB और HBS, ये भी क्या होगा, कैरियर ही होगा। अगला लास्ट है, HBS का क्रॉस कराना है HBS से, तो इस यहाँ पर ये लिखना भूल गया है, ये भी दोनों क्या होंगे, HBS और HBS, डाई इन अर्ली लाइफ ड्यू टू सिकल सेल एनीमिया, यानी कि ये क्या है, बहुत ही कम उम्र में
इसकी मृत्यु हो जाती है, किसके कारण? सिकल सेल एनीमिया के कारण। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, 25% क्या है नॉर्मल है, 25% यहाँ पर जो है वो मर जाते हैं, और साथ ही साथ क्या है 50% जो है वो यहाँ पर कैरियर हैं। तो इसका अनुपात क्या आया, सर्वाइवल रेशियो। यहाँ पर सर्वाइवल यानी कि जो जीवित है, ठीक है, जीवित व्यक्तियों का अनुपात यहाँ पर निकालना है। तो ये हो जाएगा 2:1, ठीक है, 2:1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 कैरियर हैं और 1 नॉर्मल है, जीवित का निकालना है ना कि डेथ वाले पर्सन का। तो इस तरीके से ये है कॉज ऑफ प्लियोट्रॉपी। इसके जो मुख्य कारण हैं वह हो सकते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। अगर उपापचय जो क्रिया है वो अगर किसी तरीके से प्रभावित होती है तो इस तरीके की बहुप्रभाविता देखने को मिलती है। इसी तरीके से एक डिसीज़ का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है फेनिलकीटोन्यूरिया का। यह मनुष्य में होने वाला एक डिसीज़ है। डिसीज़ क्यों होता है ये देखते हैं। यह भी एक ऑटोसोमल, ठीक है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम में जीन म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होता है, सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण, सिंगल, ठीक है, या फिर पॉइंट म्यूटेशन बोल सकते हो इसको। तो यहाँ पर जो जीन होता है वह कोडिंग के द्वारा, ठीक है, एक एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। कौन सा एंजाइम? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम का ये फॉर्मेशन करते हैं। तो ये नॉर्मल इंसान में होता है कि यह एंजाइम किसका निर्माण करता है, फिनाइल एलानिन का फॉर्मेशन करता है, और यही फिनाइल एलानिन किसका निर्माण करेगा, टायरोसिन का निर्माण करता है इस तरीके से। तो नॉर्मल में क्या होगा, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज जो एंजाइम है वो बनाएगा फिनाइल एलानिन और ये कन्वर्ट हो जाएगा टायरोसिन में। लेकिन जो एबनॉर्मल होता है, जीन म्यूटेशन होता है, जीन म्यूटेशन के कारण यहाँ पर फिनाइल एलानिन जो हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम है, ठीक है, ये यह एंजाइम फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट ना करके किस में कन्वर्ट कर देता है, फिनाइल पाइरुविक एसिड में, और यही फिनाइल पाइरुविक एसिड ही क्या करता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया जो डिसीज़ है उसको कॉज करता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग। इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि ये जो मनुष्य होगा, जो बेबी होगा, ठीक है, इस तरीके से, या फिर जो बच्चा है उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि उसकी जो मेंटल कंडीशन रहती है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, जिसको मंद बुद्धि बोला जाता है। अगला क्या दिया है, रिडक्शन इन हेयर, हेयर लॉस होने लगता है, स्किन पिगमेंटेशन होने लगते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, मल्टीपल, हमें क्या है, मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन उस व्यक्ति में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्लियोट्रॉपी भी कंप्लीट होता है।